कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? साथियों, गरीब और वंचित वर्ग की तरह ही कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। मेरी माताएं बहने, आपकी ये जो जागरूकता है ना, ये कांग्रेस को उसके पिछले अनेक दशकों के पाप का जवाब मांगने के लिए तैयार हो गई है। शक्ति आजादी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी देश की करोड़ों बेटियों का जीवन कष्ट में बीता, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 19 अप्रैल और 26 अप्रैल कमल पे बटन दबाकर ये कांग्रेस को कड़ी सजा देने का समय आ गया है। आप सोचिए, शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान झेलना पड़ता था। हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक विधि के लिए या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, या तो सूर्योदय, सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था, और दिन भर
मेरी माताएं बहनें पीड़ा झेलती थी, क्या ये पीड़ा उनको महसूस नहीं हुई? मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए हर मां का दुख दर्द भली भांति समझता हूं। करोड़ों गरीब परिवार की बहनों को धुएं में खाना पकाना पड़ता था, और जब वो धुएं में खाना पकाती है ना, तो एक दिन में जानकार लोग कहते हैं एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं ये मेरी माताओं बहनों के फेफड़े में जाता था। क्या इन माताओं बहनों को इस पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पानी लाने के लिए दूर दूर तक चलकर जाना होता था। मैं गुजरात का हूं, राजस्थान और गुजरात में पानी का संकट हम सब ने भली भांति देखा है, और इसके सारा बोझ हमारी माताओं बहनों पर पड़ता था। सर पे बहुत बड़ा वजन उठा करके पानी लेने जाना पड़ता था। भाइयों बहनों, गर्भ के समय हमारी माताओं बहनों को जो पोषक आहार चाहिए, ताकि गर्भ में जो बच्चा है वो तंदुरुस्ती के साथ उसका जन्म हो, उसकी भी परवाह नहीं की। आज आपका ये बेटा, आपके गर्भ में जो बच्चा है ना, उसकी भी चिंता करता है। करोड़ों बहनों के पास बैंक का खाता नहीं था, अगर कहीं से थोड़े बहुत पैसे बचा लिए तो या तो अनाज के डिब्बे में रखना पड़ता था। आज मोदी ने इन माताओं बहनों के बैंक में खाते खुलवा दिए। आप देखिए समाज की क्या स्थिति थी। अगर परिवार में खेत है तो पुरुष के नाम पर, घर है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर। हमारी माताओं बहनों के नाम कुछ नहीं होता। अरे आपका बेटा मेरी माता है बहने, इस आपके बेटे ने तय किया कि पीएम आवास के जो मकान देंगे ना, वो महिलाओं के नाम पर होंगे। हमारी माताओं बहनों को रोजगार के अवसर नहीं थे। बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए दरवाजे बंद थे। साथियों, आपने 2014 में आपके इस बेटे को आशीर्वाद दिया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। गरीब के इस बेटे ने देश की मातृशक्ति का जीवन आसान बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए, और हमारी माताएं बहनें कहती हैं ये शौचालय तो हमारा इज्जत घर है। उज्ज्वला योजना ने
10 करोड़ गरीब परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति दी। गरीबों के जो 4 करोड़ घर बने उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम किए। 11 करोड़ परिवार की बहनों के घर पहली बार नल से जल पहुंचा है। गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए उनके खाते में सीधे 15,000 करोड़ रुपए भेजे हैं ताकि गर्भ में बच्चा तंदुरुस्त हो। हमने 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना ने बिना गारंटी का ऋण पाने वाली जो कुल लोग हैं उसमें से 70% ये मेरी माताएं बहनें उसकी लाभार्थी है। हमने पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है। और मेरी माताएं बहने, आप मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। मेरा सपना है 3 करोड़ माताओं बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, यह हमारा राजस्थान वीर माताओं की भूमि है। यहां गोद में जो बच्चे पलते हैं ना, तो वीर माताओं के संस्कार से वीर बच्चे पैदा होते हैं। सेना में जाइए मेरे राजस्थान की चमक दमक, और सिर्फ वो चमक दमक, वो लंबी लंबी मूछ वाले नौजवानों के कारण ऐसा नहीं, ये वीर माताओं के कारण है, ये वीर माताओं के कारण है। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता था, ये मेरी वीर बेटियां नहीं जा सकती थी। मोदी ने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं, मेरी बेटियां सेना में जा रही है। मैंने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं। गर्भावस्था के दौरान जब उस बच्चे को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ही दिन में नौकरी पर चली जाती है, छोटे से नन्हे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था, ये दर्द भी आपका ये बेटा भली भांति समझता है। और इसलिए ऐसी बेटियां जो काम करती हैं, उनके लिए प्रसूति के बाद 26 हफ्ते की छुट्टी यानी आधा साल 6 महीने की छुट्टी हमारी सरकार ने दी है। हमने पार्लियामेंट में 3-3 दशक से लटका हुआ नारी शक्ति मंदन अधिनियम से अब पार्लियामेंट में, असेंबली में, संसद में और विधानसभा में हमारी माताओं बहनों के लिए सीटों का आरक्षण पक्का कर दिया है। ऐसी तो अनगिनत योजनाएं उसका परिणाम है कि आज भारत की नारी शक्ति के हौसले बुलंद है। और तभी मैं कहता हूं कि नियत सही तो नतीजे सही। मुझे गर्व होता है आज गांव की बेटियां ड्रोन उड़ा रही है। जो कभी साइकिल नहीं चला पाती थी वो आज ड्रोन पायलट बनकर के गांव में खेती में मदद कर रही है। आज खेल के मैदान में हमारी बेटियां कमाल कर रही है। आज इसरो के बड़े प्रोजेक्ट्स को
हमारी महिलाएं हैंडल कर रही हैं। आज दुनिया में महिला पायलट्स का सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत में है, जो विमान उड़ाती है।